फेक नंबर प्लेट की गाड़ी पकड़ी गई, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आज रियासी में एक फेक लाइसेंस भी जो है वो पकड़ा गया है। डीटीआई रियासी अरुण कोतवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बात हो गई आज जीरो मोड में जो नाका लगाया गया था उसके बारे में जानकारी दें। वहाँ रूटीन में जैसे नाका लगाते हैं, एक लगाया था आज नाका, तो एक टाटा मोबाइल आई, उसको चेक किया, JK20B0468 उसका नंबर था। तो चेक ई मशीन में हम चेक करते हैं आजकल, तो वही सिस्टम अब मैनुअल हम खत्म कर रहे हैं ऐसा। उसमें जब चेक किया तो उसकी फिटनेस खत्म थी गाड़ी की, तो फिटनेस के साथ फिर ड्राइवर से हमने उसका लाइसेंस मांगा जब बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो लाइसेंस जब उसने बताया लाइसेंस का नंबर भी चढ़ाया, जब लाइसेंस का नंबर हमने ई मशीन में डाला तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करने लगा, फिर हमने एम परिवहन में डाला उसमें भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करने लगा, फिर हमने टेलीफोनिकली RTO साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब इसका वेरीफाई करके बताइए पहले ये, उन्होंने बोला ये हमारे रिकॉर्ड में भी ये नहीं मिल रहा है, फिर हमें लगा कि ये 100% ये फेक ही है, तभी किसी भी फेक लाइसेंस था वो, तो किसी में नहीं होगा। तो खैर फर्दर डिटेल्ड इंक्वायरी के लिए हमने एप्लीकेशन दी एज पर प्रोसीजर, गाड़ी को हमने सीज़ कर लिया क्योंकि उसकी फिटनेस नहीं थी, वो 207 में सीज़ कर लिया, और जो लाइसेंस था उसके साथ एप्लीकेशन दे के तो पुलिस स्टेशन के हवाले कर दी। जी जी सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, डिजिटलाइजेशन जब से हुई है तो कितना आपको भी जो है आसानी हो गई है इस चीज़ को, कि एक ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से आप देखते हैं आई हुई है? बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इसकी, हमें भी मिली है और पब्लिक को भी मिली है। कई बार लोग जो है डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं घर में, फिजिकल कैरी नहीं कर सकते, अब जो बाइक्स हैं मोटरसाइकिल्स हैं स्कूटर्स हैं वो बारिश की वजह से वो एक्सक्यूजेज होते थे पहले कि हम इसमें स्टोर नहीं कर सके, अब जब डिजिटलाइजेशन है हमें ज़रूरत ही नहीं है वो फिजिकल डॉक्यूमेंट देखने की, हम उसमें नंबर डालते हैं पूरा का पूरा उसका चिट्ठा सामने आ जाता है, प्लस लाइसेंस है वो भी वेरीफाई हो जाता है, लाइसेंस का नंबर डाल के वो भी वेरीफाई हो जाता है, अब कैरी करने की फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वो परेशान, पेंडिंग चलाना वो भी, हाँ हाँ सब कुछ। अब अगर कोई पहले चलान हुआ होगा ई मशीन के थ्रू वो भी उसमें रिफ्लेक्ट करता है कब हुआ है और किस चीज़ का हुआ है, तो रेपिटेटिव जो अब जैसे रेपिटेटिव चलान जो होते हैं रेपिटेटिव ऑफेंसेज हैं उसमें वो फाइंस जो हैं वो ज़्यादा हैं एनहेंस्ड हो जाते हैं, तो वो भी हमें पता चल जाता है उसके थ्रू। आज का जो आपने पुलिस स्टेशन में बात की है, तो कोई FIR वगैरह अब तक लगी है? कोई कौन कौन सी धाराएं आपको लगता है इसमें लग रही हैं? इसमें फॉर्जरी की लगेंगी 471 420 वगैरह, तो हाँ 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 वो तो लगेंगी, चीटिंग वगैरह की जो धाराएँ होती हैं उसी को इन्वोक किया जाएगा, तो हमने रिक्वेस्ट कर दी है उनको, तो खैर वो आगे उनका ही काम है। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे DTI रियासी अरुण कोतवाल जी। एक टाटा मोबाइल को जो है वो जीरो मोड रियासी इलाके में जो है वो पकड़ा गया है, वहाँ गाड़ी का जो है वो फिटनेस नहीं था, उसके बाद फर्दर जो जानकारी इन्होंने प्राप्त की उसके बाद जो है जो लाइसेंस उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी वहाँ पर फेंक पाया गया। अब सवाल निशान भी कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं कि ऐसे जो ये ड्राइविंग लाइसेंस फेक ये लोग कहाँ से बनवाते हैं, और ये कैसे धड़ल्ले से जो है वो इसका इस्तेमाल कब से करते आ रहे हैं, और ऐसे और भी कोई है या नहीं? आप लोग देखते रहे न्यूज़ 5 राहुल कपूर कैमरा अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।